हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.7 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें एक नया टाइप आ गया जिसमें आपको यू इंटू वी फॉर्म भी मिलेगी, ठीक है। और यू इंटू वी तो मिलेगी मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स x मिल रहा है, उसको अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूँ तो उसका जो डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि आपको मिल रहा है। तो इसको t सब्स्टिट्यूट करना है, लेट tan इनवर्स x इक्वल t, डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt, यानी इतने के बदले मेरे को लिखना है dt, ठीक है। ये लिखा मैंने dt और tan इनवर्स x को लिखा t। अब ये एक्स स्क्वायर क्या कर रहा है, तो ये जो x है उसको t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां से x क्या आ रहा है tan t, ठीक है, और उसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर t, ओके t इंटू tan स्क्वायर t। आईलेट अप्लाई करो। अच्छा, आईलेट करने से पहले एक बार, ये जो है ना tan स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम नहीं है लेकिन sec स्क्वायर का तो है ना, sec स्क्वायर t का तो है ना, तो इसको sec स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये t एज इट इज, और इसको क्या लिखे sec स्क्वायर t माइनस वन डी टी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा t sec स्क्वायर t डी टी माइनस t को वन से करो t डी टी, इसका तो आ गया t स्क्वायर बाई टू, और ये आईलेट से करेंगे अब, ठीक है ना। तो ये कौन सी फॉर्म है, u बाई वी, सॉरी u इंटू वी। तो इसमें एल्जेब्रिक कौन सा है, ये वाला, और ट्रिगोनोमेट्री ये, तो ये तो हो गया u और ये हो गया v, t sec स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ u, u बोले तो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v sec स्क्वायर t dt होल dt माइनस इसका आंसर t स्क्वायर बाई टू। अभी सी नहीं लगाना, ये इंटीग्रेशन बाकी है। t इसका क्या आएगा tan t माइनस इसका क्या आया, ये t के रिस्पेक्ट में है वन वन, और इसका क्या है t है, सॉरी tan है, tan t माइनस dt माइनस 1/2 t स्क्वायर, ठीक है, यहां तक दिख रहा है। हाँ, t tan t माइनस tan t का क्या आएगा log sec t और माइनस 1/2 t स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। अब जो t है उसको x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी tan इनवर्स x लिखेंगे, tan इनवर्स x। अब यहां पे क्या आएगा tan tan इनवर्स x, ओनली x, उस x को मैंने आगे लिखा, माइनस log sec tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन। जितना किया है ये भी ठीक है, लेकिन यहां पे जो sec tan इनवर्स x है इसको x ओनली एल्जेब्रिक फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो इसको एल्जेब्रिक में चेंज करते हैं, x tan इनवर्स x माइनस log, इसको क्या लिखें, ये क्या है sec थीटा मानो थोड़ी देर के लिए। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा रूट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, रूट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स x, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं tan tan इनवर्स x होल स्क्वायर, और ये एज इट इज माइनस 1/2 tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c। अब देखो ये क्या बन गया, ओनली x, वन प्लस x स्क्वायर रूट के अंदर, इसको अब मैं यहां पे लिख रहा हूं x tan इनवर्स x माइनस log के अंदर, ये रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस ये तो कैंसिल, एक्स होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और इसके एक्सपोनेंट क्या है 1/2, रूट मतलब 1/2, उस एक्सपोनेंट को आगे लिख सकते हैं ना 1/2, और ये एज इट इज माइनस 1/2 tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ये आपको बुक में दर्क है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वो कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, यहां पे साइन इनवर्स x आ रहा है, लेकिन साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहां पे अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, इसके एक्सपोनेंट हाफ अलग करेंगे और उस वो जो है 1 और बच गया, ठीक है ना, 3/2 का मतलब क्या है 1.5, तो हाफ को अलग और 1 को अलग करेंगे, तभी आपको अलग से इंटीग्रेशन इसका दिख जाएगा, डिफरेंशिएशन दिख जाएगा। साइन इनवर्स x अपॉन, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो है ना, सेम बेस है, एक्सपोनेंट 1.5 3/2 dx। अब इसको t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी, डिफरेंस सेट करने पे क्या मिलेगा, 1/√1 − x²dx = dt, यानी इतने के बदले मेरे को लिखना है dt, ठीक है। अब 1 − x² और आ रहे हैं, चलो पहले इसको लिखते हैं, इसको t सब्स्टिट्यूट किया और इसके बदले dt लिखा, नीचे क्या बचा 1 − x²। अब 1 − x² क्या है, देखो यहां से x फाइंड करो, sin t, ठीक है, x क्या है sin t, तो x² sin²t, ओके, t और नीचे क्या 1 − sin² cos²t, dt, ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा t as it is sec²t dt, ठीक है। अब t sec²t फॉर्म आ गई है जिसका इंटीग्रेशन पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लो पिछले पार्ट में क्या था, u into v फॉर्म आ गई है, तो इसको क्या लिखें, t as it is इंटीग्रेशन ऑफ sec²t विद रिस्पेक्ट टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx ऑफ u मतलब t स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है यहां पे कर ली ब्रैकेट, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v sec²t विद रिस्पेक्ट टू t होल dt, इसका क्या आएगा tan t और ये t एज इट इज t tan t माइनस इसका 1, ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका 1 और इसका tan t, यानी इंटीग्रेशन के अंदर 1 × tan t tan t और dt, इसको क्या लिखें, चलो अभी तो t फॉर्म ही रहने दो, माइनस इसका आएगा log sec t dt, हट गया प्लस c आगे इसके बदले प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है वो देखो, sin inverse x, ठीक है, और ये क्या है sin t upon cos t, यानी sin t upon cos t, cos को क्या लिखें √1 − sin², sin²t मतलब only x square, और क्या आएगा माइनस log sec t, sec को क्या लिखें 1/cos, ठीक है, तो इसको लिखा मैंने 1/cos, cos मतलब √1 − x² आएगा यहां से प्लस c। अब इसको तमीज से लिखते हैं साइन इनवर्स x, और यहां पे क्या बचा ओनली x, नीचे √1 − x² माइनस log, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये क्या फॉर्म आ रही है log 1 m by n, log m माइनस log n, ठीक है, तो log m मतलब log 1 जीरो हो गया, माइनस करेंगे और एक माइनस ये रहा तो प्लस में आएगा, ठीक है, log और ये रूट वाला √1 − x² प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट से, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, कोस इनवर्स 1 − x² / 1 + x² किसकी आइडेंटिटी है, 2 tan inverse x की कोस के फॉर्म में, ठीक है, कोस की फॉर्म में आ रही ना 1 − x² / 1 + x² किसकी है 2 tan inverse x की, तो इसको क्या लिखें 2 tan inverse x। अब देखो जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है ना, जो कि tan inverse x मिल रहा है आपको, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो उसके साथ में v लेट करता था, मल्टीप्लाई करता था, ठीक है ना, मतलब 1 मल्टीप्लाई करता था जिसको v लेट करता था, तो यहां पे 1 नहीं है 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 को बाहर करोगे फिर 1 करोगे, इससे बढ़िया रहेगा कि आप जो 2 मिल रहा है उसी को रखो उसके साथ, तो ये जो कॉन्स्टेंट है ये तो बन गया v और ये बन गया u। अब I let अप्लाई करते हैं u into v फॉर्म, आइलेट अप्लाई कर चुके u into v फॉर्म में इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया tan inverse x और इंटीग्रेशन करेंगे u का माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ u यानी tan inverse x into इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x होल dx, 2 का क्या आएगा 2x और ये as it is tan inverse x माइनस इसका क्या आएगा 1/1 + x² और इसका क्या आएगा 2x dx। अब इसको t सब्स्टिट्यूट करें तो ऊपर वाला मिल रहा है, लेट 1 + x² = t 2x dx = dt, ठीक है, 2x tan inverse x − 2x dx के बदले dt और नीचे आ गया t, हाँ ठीक है, 2x tan inverse x माइनस इसका क्या आया log t क्या है 1 + x² + आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके नेक्स्ट, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस है, क्या है माइनस, तो ये किसका बनेगा 2 टेन इनवर्स x का, तो इसको फिर से लिखा मैंने 2 टेन इनवर्स x, और इसका सॉल्यूशन इसके बाद ये जो भी है एज इट इज, ओके दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, ये किसकी आइडेंटिटी है 3 टेन इनवर्स x की, तो इसको लिखा मैंने 3 टेन इनवर्स x dx, ये बन गया u और ये बन सॉरी v और ये बन गया u, तो u एज इट इज और 3 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन 3x dx, ठीक है। अब इसको t सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल t, 2x dx इक्वल dt, तो x dx इक्वल 1 बाई 2 dt, 3 इसके साथ क्या आएगा x, यानी 3x tan इनवर्स x माइनस x dx, 3 को तो बाहर लिखा, x dx के लिए x dx के बदले 1 बाई 2 dt, और नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट किया, 3x tan इनवर्स x माइनस 3 बाई 2 इसका क्या आएगा log t, t बोले तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन। इसमें ये किसकी है साइन 3 साइन थीटा की, इसको लिखा 3 साइन नहीं साइन इनवर्स की, 3 साइन इनवर्स x dx, ये बन गया v, ये बन गया u, तो u एज इट इज और इंटीग्रेशन करेंगे v का माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u साइन इनवर्स x और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 विद रेस्पेक्ट टू x होल dx, ये क्या आया 3x साइन इनवर्स x, यहां से क्या मिलेगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से 3x dx, ठीक है। इसको t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लो, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल t स्क्वायर, 2 माइनस 2x dx इक्वल 2t dt, ठीक है, माइनस को इधर ट्रांसफर किया 2 से 2 कैंसिल किया, x dx ऊपर वाले के बदले माइनस t dt, 3x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 3 को बाहर लिखा, x dx t dt, t ऊपर और ये नीचे भी t बनेगा ओनली dt, 3x साइन इनवर्स x प्लस 3t, t क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, और ये है 3 cos इनवर्स x की आइडेंटिटी, 3 cos इनवर्स x dx, ये बन गया v, ये बन गया u, u एज इट इज cos इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन करेंगे 3 का, 3 विद रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u यानी cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 विद रेस्पेक्ट टू x होल dx, इसका क्या आएगा 3 के साथ x और ये एज इट इज cos इनवर्स x माइनस इसका आंसर माइनस में आएगा तो उसको प्लस कर देगा अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका 3x, 3 को बाहर लिखा x और dx। अब इसको t स्क्वायर लेट करते हैं, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल t स्क्वायर माइनस 2x dx इक्वल 2t dt, तो माइनस को इधर मैंने ट्रांसफर किया 2 को कैंसिल किया, x dx के बदले माइनस t dt पुट करेंगे, 3x cos इनवर्स x माइनस 3, ये माइनस कहां से आया ये वाला, और x dx के बदले t और नीचे ये क्या है पूरा t बन गया dt, ये t कैंसिल यानी 3x cos इनवर्स x माइनस 3 और इसका आंसर आएगा t प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, 3 कॉमन ले लो, x cos इनवर्स x माइनस t क्या है रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यहां पे cos इनवर्स x होल स्क्वायर दे रखा है तो इसके साथ मैंने 1 मल्टीप्लाई किया है u और v बनाने के लिए, ठीक है, ये बन गया v और ये है u, तो आई लेट जो फॉर्मूला था u into v वाला उसमें वैल्यू पुट करते हैं, cos इनवर्स x होल स्क्वायर एज इट इज और इंटीग्रेशन करेंगे v का मतलब 1 का x के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ u मतलब cos इनवर्स x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx, इसका क्या आएगा x और ये एज इट इज cos इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रेशन
सॉरी डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो चेन रूल अप्लाई करते हैं, 2 आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का माइनस में आएगा तो वो इसको प्लस करेगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स, उस एक्स को मैंने यहां पे लिखा 2x dx। अब इसको t सब्स्टिट्यूट करें तो नीचे वाला मिल जाएगा, लेट cos इनवर्स x इक्वल t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt, उस माइनस को मैंने ट्रांसफर किया यानी माइनस dt, cos इनवर्स x होल स्क्वायर, ये प्लस इसके वजह से माइनस हो गया, 2 बार लिखा cos इनवर्स x, इसको t लिखा था और नीचे इसके बदले क्या आ गया, dt आ गया, ठीक है, और x x क्या है यहां से cos t, x की वैल्यू है cos t, यानी इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं t cos t dt, ओके, x cos इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस, अब ये u into v फॉर्म है, ठीक है, आई लेट अप्लाई करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 एज इट इज ब्रैकेट, यहां पे ये तो है v, सॉरी u, और ये है v, तो u एज इट इज cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ u 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t sin t होल dt था वो dt, नीचे स्पेस है अभी काफी है, x cos इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 t क्या है cos इनवर्स x sin t, अब देखो यहां से cos t क्या है, यहां से cos t मिल रहा आपको x, ठीक है, तो sin t क्या मिलेगा, sin t मिलेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो sin t के बदले क्या लिखूं मैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t नेगेटिव cos t, वो नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर गया cos t dt, dt नहीं dt तो हट गया, प्लस c, स्पेस है, ठीक है, एक्स कोस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो वरना कोई जरूरी नहीं है, माइनस 2 कोस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एंगल कोस वाले का मतलब इतना ही है, ठीक है ना, ये अलग है, इसको आप मल्टीप्लाई में यहां पे लिख सकते हो, प्लस cos t क्या है, cos t x प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें शो करना है मतलब इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, ये अपना आंसर देखेंगे टिपेंगे इससे, इसके जैसा बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो LHS है इसको सोल्व करना है, LHS x अपॉन ये क्या है 1 माइनस cos x, माइनस में है ना, हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो साइन में लिखेंगे 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल मतलब x by 2 dx, इसको और क्या लिख सकते हैं 1 by 2 x, और ये ऊपर आएगा तो cosec cosec स्क्वायर x by 2 dx, ठीक है, u into v फॉर्म अप्लाई करते हैं, u क्या है x, v क्या है cos cosec स्क्वायर x by 2, 1 by 2 सभी के साथ है, ठीक है, u as it is और इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा माइनस cot x by 2 माइनस cot x by 2 और x by 2 मतलब x का कोफिशिएंट 1 by 2 वो अपॉन में लिखेंगे तो ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये बन गया माइनस 2 माइनस 2, अच्छा फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया कोट एक्स बाई 2 और 1 बाई 2 अपॉन में लिखेंगे तो वो 2 ऊपर आएगा डी एक्स 1 बाई 2 माइनस 2 एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस 2 अब कोट एक्स बाई 2 इसका क्या आएगा लॉग साइन एक्स बाई 2 log साइन x by 2 और ये जो कोफिशिएंट है x का 1 by 2 ये अपॉन में लिखेंगे ना वो रेसिप्रोकल के ऊपर आएगा तो 2 into 2 4 बन गया प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ गया ठीक है अब इस 1 by 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये 2 से 2 कैंसिल माइनस x cot x by 2 बिल्कुल ठीक है प्लस ये 2 इसको 2 टाइम कैंसिल करेगा 2 आ रहा है log साइन x by 2 ये आपका आंसर मैच हो गया ठीक है इक्वल आरएचएस एचपी हैंस प्रूव्ड नेक्स्ट पार्ट देखो 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस होना तो उसको हाफ एंगल में चेंज करके आइडेंटिटी बना सकते हैं ठीक है लेकिन ये तो साइन है तो साइन को कोस में चेंज करना होगा पहले
LHS में आपको मिल रहा है x अपॉन 1 प्लस साइन x, इस साइन x को क्या लिखें, cos pi by 2 माइनस x, ओके dx, x अपॉन, अब ये क्या बन गया 1 प्लस cos थीटा फॉर्म है ना, और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, प्लस में है ना, बीच बीच में प्लस है ना, तो इसका क्या आएगा 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल बोले तो इसका हाफ यानी पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 और x का हाफ x बाई 2 dx, अब इसको ऊपर ले जाओ 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है उसको आगे लिखा x और ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा sec स्क्वायर हाफ एंगल, मतलब वो जो आपको मिल रहा है पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 dx, अब ये u इंटू v फॉर्म से होगा ठीक है, आईलेट से चेक करो u क्या v क्या, u तो है sec स्क्वायर और v सॉरी u तो है x और v है sec स्क्वायर वाला, 1 बाई 2 सभी के साथ है पहले कॉमन ले लो, u एज इट इज x एज इट इज और इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या आएगा tan और वो जो एंगल है पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, एक चीज और आएगी क्या x का जो कोफिशियंट है उसको अपॉन में लिखेंगे, x का कोफिशियंट क्या है माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 अपॉन में करोगे तो ऊपर आके माइनस 2 बनेगा, ये माइनस भी है और 2 भी है ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब x का x के रिस्पेक्ट में 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और इसका कोफिशियंट माइनस वो आगे आ गया माइनस 2 ठीक है ना, प्लस हो गया डी एक्स, 1 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, 1 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो गया माइनस एक्स टेन माइनस एक्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 साथ के साथ चेक करते रहो माइनस एक्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ठीक है, 1 बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा कैंसिल 2 ठीक है, और लॉग कॉस के साथ लॉग में आ रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या था लॉग सेक या लॉग माइनस कॉस माइनस लॉग कॉस ठीक है ना, तो इसको क्या लिखें माइनस लॉग कॉस और ये जो एंगल है वो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का जो कोफिशेंट है कैसा है माइनस का है, मतलब x का कोफिशियंट माइनस 1 बाई 2 उसको अपॉन में लिखेंगे ना माइनस 1 अपॉन 2 को, रेसिप्रोकल करने के बाद ऊपर जाएगा माइनस को प्लस करेगा और 2 आएगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ठीक है, ये टर्म भी आ चुकी है, वो जो मेन 2 था वो इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इसके अपॉन वाला है ठीक है, x का कोफिशियंट है, ये आ गया आपका RHS HP हेंस प्रूव्ड, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और इसमें ये प्रूव करना है ये वाला ठीक है, तो जो LHS है ना उसमें अब की बार दो टर्म में कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेपरेट डिवाइड करते हो तो डिनोमिनेटर से x अपॉन 1 माइनस cos x और sin x में भी करेंगे sin x अपॉन 1 माइनस cos x ठीक है, अब देखो इसको मैं सोल्व करवाऊंगा नहीं क्योंकि ये जो 8th का फर्स्ट पार्ट था ना वो ही है ठीक है, और उसको कर चुके पहले तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, क्या आएगा माइनस x cot x by 2 और प्लस 2 log sin x by 2, ये प्रूव किया था फर्स्ट वाले में माइनस, अब इसको सोल्व करना है किसको sin x अपॉन 1 माइनस cos x को, यहां पे cos x को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका माइनस, ऐसा करो 1 माइनस को ही ले लो 1 माइनस cos x तो इसका क्या आएगा माइनस माइनस प्लस sin x dx इक्वल dt, तो ये एज इट इज माइनस x cot x by 2 प्लस 2 log sin x by 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स के बदले डी टी और नीचे वाले को पूरे को टी सब्स्टिट्यूट किया माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस 2 लॉग साइन एक्स बाई 2 माइनस इसका आएगा लॉग टी, टी बोले तो 1 माइनस कोस टी प्लस सी, ये एज इट इज माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस 2 लॉग साइन एक्स बाई 2, ऐसा करो ये जो 2 है ना इस 2 को अंदर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा ना, जो लॉग का कोएफिशिएंट होता है वो उसकी एक्सपोनेंट बन जाती है अंदर वाले की, माइनस माइनस ये क्या है लॉग, लॉग के अंदर क्या है 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स ठीक है, अभी ये सेम नहीं है अभी नहीं कटेंगे माइनस एक्स कोट एक्स बाय 2 और प्लस लॉग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अब देखो ये बन गया लॉग एम इंटू एन, लॉग एम माइनस लॉग एन माइनस आ गया
log 2 माइनस नहीं सॉरी प्लस log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, तो वो प्लस इस माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस log n, n मतलब साइन स्क्वायर x बाई टू और प्लस c, ठीक है ये dx नहीं यहां पे प्लस c है। अब ये वाली टर्म कैंसिल होगी log साइन स्क्वायर x बाई टू प्लस माइनस, ठीक है क्या बचा माइनस x cot x बाई टू, और ये क्या है कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट में माइनस होके नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा ए बी सी वगैरह जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है ना सी है तो सी लिख लो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे, हेंस प्रूव। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।